रामपुर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। कुछ दिन पहले हुए हाईवे पर व्यापारी से लूट का आज पुलिस ने खुलासा किया और इस लूट को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया और बताया कि किस अंदाज में यह लोग लूट की वारदातों को अंजाम देकर फरार होते थे। रामपुर यूपी से अभिषेक शर्मा, आज़ाद टीवी न्यूज़। इसमें जो वादी है उसके एक खास दोस्त है जिसने इसमें मुखबिरी की थी और वह कई बार वादी के साथ पैसे जमा करवाने जाता था और इस दिन ये नहीं गया। उसने अपने आगे जो साथ के साथी हैं उनको सूचना दी और दूसरे साथियों ने मिलकर रेकी की और 3 जनों ने ये लूट को अंजाम दिया। फिर आखिर में सर वादी क्या काम करता था इसका? ये इसमें वादी की एक किराना की दुकान है परचून की, जिसके कि वो पैसे पेमेंट देने के लिए उस दिन सुबह रामपुर सिटी आ रहा था स्वार से, और यह बात जो वादी का मित्र है उसको जानकारी हुई और उसने ये लूट को पूरा प्लान किया, लड़के इकट्ठा करके अंजाम दिया। दोस्त गिरफ्तार है उसका? हाँ जी, दोस्त गिरफ्तार है। इसमें से एक अभियुक्त जो है वो घटना करने के 3 दिन पश्चात कोर्ट में सरेंडर हो गया एक दूसरे मुकदमे में, और एक अभियुक्त फरार चल रहा है जिसे कि हम जल्दी गिरफ्तार।